हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। तो भाई देख लो अपनी आज तीनों गाड़ियां एक साथ में है। ये रही अपनी, ये शारिस्ताद वाली और वो पालिश मार रहा है शारिस्ताद सुबह सुबह। तो ये अपने मजीद उस्ताद और बढ़िया बस। अब साथ में जाएंगे हम तीनों गाड़ियां भर के, तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां हैं जेके 12 सी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी रात को, अभी फ्री है, यहाँ पे घूम रहा है चक्का पहिया यहाँ पे घूम रहा है। तो चलो यार, कल धुलाई थी गाड़ी लेकिन फिर भी मिट्टी लगी। चाय चाय रखी भाई? क्या यार, चाय भी नहीं सुबह से बुलाया हमको अपने। देख लो आबिद भाई अभी बना रहा है चाय 12 बजे। टाइम क्या हो गया? टाइम 10 बजे। बनाई रोटी भाई? सर्दी में बैठे कुल्फी बन गए हम सुबह सुबह ठंड में। और ये उस्ताद लगा, देख लो यार कपड़ा नहीं मारा आपने, देख उस्ताद खुद लगा है। चलो यार ठंड है ना, फिर भी हालत माड़ी हो गई है। क्या अल्लाह ने कसम, नहीं आबिद भाई बोल रहे मैं चला हूँ घर। ओ यार ऐसे मजाक करते वो तो क्या, मैं भी चलूंगा साथ में चले चले। चलो ठीक है, इश्तिया का भी दखल हो गया अब तो। ये आबिद भाई बोल रहा मैं भी जाऊंगा। जाओ जाओ फिर जाओ जाओ, अभी निकलो। तो भाई अपनी गाड़ी लोड के लिए लगा दी है, लोडिंग के लिए। तो अभी गेस कर सकते हैं आप हमने किधर के लिए लगाई है। फिलहाल लोडिंग के लिए यहाँ आ चुके हैं मंडी में। तो दूसरी गाड़ी अभी उसका भी हो जाएगा जल्दी लोड। फिलहाल पहले खाने छाने का कुछ करते हैं यार। तो भाई अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए हम आ गए हैं इधर। एक दांत हो गई है तो इतनी हाइट करेंगे हम भी, हमारी थोड़ी इससे कम ही होगी क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है ना उससे। देख लो कितना फ़र्क है, 6 इंची का फर्क होगा ना। बाकी यहाँ पे देख लो मंडी में अभी बहुत कम हो गया सेब इधर। भाई तीन दांकें लग चुकी हैं अपनी गाड़ी में, तो अभी चौथी दांक लग रही है। तो फिलहाल यहाँ से लोड हो रही है अपनी गाड़ी, तो फिर यहाँ इसके बाद पता नहीं कहाँ से होगी। एक ये 14 चक्का है डायमंड ट्रांसपोर्ट, 4-5वीं दांक लग रही है। देख लो एक ये राजस्थान नंबर की 16 चक्की और ये लोड। तो बाकी चलो यार, तो भाई अपनी गाड़ी हो रही है लोड। आज तो कंप्लीट नहीं हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 14 चक्के को भरने के लिए कम से कम 2 दिन लगते हैं। तो ठंड भी इधर बहुत है, क्या ही पता है आपको, बहुत ज़्यादा ठंड है कश्मीर में ना। आप मतलब कभी भी कोई भाई आए तो अपना जुगाड़ करके आए, जैकेट शैकेट वगैरह, मतलब पूरे कपड़े सर्दियों के लेके आए इधर। और इधर गैस भी है ना, जो गैस अभी सर्दियों में बिल्कुल जम के मतलब चलता होता है, मतलब जम जाता है गैस भी, जलता नहीं है जल्दी। और डीजल सीजल भी वगैरह, अब ये आगे वाला 1-2 महीने है ना बहुत ठंड होगी। अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी नवंबर में इतनी ठंड होगी तो लगा लो साहब दिसंबर जनवरी में क्या हाल होगा। तो चलो हमने तो गाड़ी अपनी कन्फर्म कर ली हुई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, चलो उधर ही जाएंगे वेस्ट साइड में। तो बाकी देखते हैं क्या सीन है अगला। भाई अभी आज के दिन इतनी गाड़ी लोड हुई, आधी गाड़ी बाकी यहाँ साइड में लगा दी, अब देखते हैं कल। हेलो भाई, तो क्या हाल चाल है आप? आई होप अच्छे ही होंगे, मजे में होंगे, हम भी बढ़िया हैं गाइस। तो ये देख लो 1, 2, 3 और ये अपने वाली 4 गाड़ियां और 2 उधर 6 गाड़ियां हमारे इलाके की हैं पुंछ की। ये अपने शारिस्ताद चाय बन रहा है अभी। Yeah.
ਨੈਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਹੈ भाई एक गाड़ी और आ गई है अपनी पुंछ की गाड़ी है 16 टायरी एक ये इधर अपनी ये मजीद उस्ताद वाली और ये अपने इस साइड में शेर मामा कोना ने तो अभी हम पी रहे हैं चाय गर्म गर्म चाय चाय के साथ ये वाली रोटी अपने उस्ताद ने कहा कुछ नमकीन चाय पी रहे हैं तो भाई लोगो अभी हमने चाय वगैरह पी ली है अपनी गाड़ियाँ एक दो एक ये और आ गई है 16 चक्की गाड़ी और ये अपने आसिफ उस्ताद केएफसी की नहीं है ये लोकली है मतलब तो अपने ये गाड़ियाँ दोनों इकट्ठी हैं और तीसरी हम सुबह सुबह कर रहे हैं मुछे को सेटिंग सूटिंग इश्तियाका हो गया बेदखल एक रुपया भी नहीं मिलेगा घर जाने के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा अब हम जाएंगे साथ में तीनों गाड़ियां भरेंगे साथ में अपनी गाड़ी का 2500 पेटी लोड हो गई है और बाकी दिखाते हैं आपको बाहर से गाड़ियां ये रही अपनी गाड़ी ये आ गई शहर उस्ताद की गाड़ी ये मजीद उस्ताद की 14 टारी ये आ गई मजीद उस्ताद और बढ़िया मजे में एकदम ये उस्ताद 16 चक्की है देख लो ये एक बार हमको उधर मिली थी हमने वीडियो भी बनाई थी पर शेयर नहीं की इनकी वो मतलब जान पहचान नहीं थी ना अपनी अब जान पहचान हो गई है हां हो गई है अरे लोरन में रह रहे जम्मू में आज उन्होंने अपना मकान बनाया बढ़िया तो ये उस्ताद की 16 चक्की है और अब हम जाएंगे साथ में ही भर गई तो साथ में ही निकलेंगे मंडी में देखो आज बिल्कुल सुनसान पड़ी है है ना सुनसान सुनसान है तो ये एक ये 12 टायर वाला उस्ताद ये भी अपने इलाके की है अपने इलाके सो भाई अभी हम ये देख लो अपनी गाड़ी खड़ी एक 16 टायरी उधर वो शहर उस्ताद वाली गाड़ी है मजीद उस्ताद की साइड में चार गाड़ियां तो एक साथ है 16 टायरी और 14 टायरी दो ये पुंछ की है 10 टायरी गाड़ियां तो मंडी में ना आज थोड़ा माल नहीं है आज संडे है सो भाई अपना बन रहा है चाय आबद भाई चाय बना रहे मीठी चाय इसको क्या बोलते हैं कश्मीरी में मीठी चाय बोलते हैं कश्मीरी में बोलते हैं लिप्टन चाय और मैं सर लिप्टन ही बोलते हैं तो हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं काली चाय मीठी चाय नहीं काली चाय दूध के बगैर छुपा हुआ है इसके ये देखो जैसे दुल्हन होती है ना छुपी हुई मेरे को ठंड लग अब ये ऐसे छुपा हुआ है इस त्याका बोल रहा है कैसे जाऊं घर अब मैं तो बोल रहा हूँ नहीं जाए तो ठीक है पर ये अब क्या छुप क्या देख लो कैमरा मैं क्या बोलूं मेरे को घर जाना ना ट्राई है मेरी तो इस आप जाने वाला घर तो इसलिए छुपा हुआ देख लो बन रहे तो अभी हमारा बन रहा है चाय शहर उस्ताद वाली गाड़ी में आबिद भाई चाय बना रहे हैं चाय वगैरह पी के फिर आज इंडिया का मैच है आज सपोर्ट करते हैं फुल सपोर्ट इंडिया को जिताते हैं आज ये रही अपनी गाड़ी और अपना भाई एक बात आपको बत्ते की बता दें यहाँ कश्मीर में अब मत आए क्योंकि एप्पल शेप्पल तो हो गया खत्म जियो बन रही है चाय आ चाय चाय बन गई है चाय आसिफ उस्ताद को अभी नागर आए ना तो बहुत ठंडा हो गया मैं हमने सोचा चाय बनाते हैं आबद भाई बना रहे हैं चाय और मजीद उस्ताद भी बाहर बैठे हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं चलो बाहर ही चलते हैं यार अच्छा तो बाहर ही से मैं सोचा उधर गया रस्से ना एक उस्ताद वो आ रहा है उधर से ये 12 टायरी वाला उस्ताद है ये 71-12 नंबर زبردست ہونے والے ہیں کروا دو 20K پھر اس کے بعد کروا دو اس کو بہت کروا دو ہاں سو بھائی ابھی ہم نے بیٹھے ہوئے تھے ویلے تو آج میچ بھی لگا ہوا ہے انڈیا کا تو سارے استاد 14 چکی والے بیٹھے ہیں یہ 12 ٹائر گاڑی استاد کی تو آج بنایا چائے دیکھ لو وی آئی پی کپ میں ہم چائے پی دیکھ لینا بھائی صاحب ہمارے پھول کے سفید کپ دیکھ لو اور کیا مطلب چائے اپنی چائے بنائی یار ہوٹل والی چائے کا مزہ نہیں آتا اپنی چائے ہم سے مزے سے آرام سے پیتے ہیں اور کیسی ہے چائے
बढ़िया है ना। एक तो मैच भी लगा हुआ है, देख लो आज इंडिया का फाइनल मैच है, मैच भी खेल रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। आज इंडिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं दिल से यार, चलो यार जीत जाए इंडिया तो ठीक है कि नहीं। अब उमर वाले की मर्जी है, चलो फिर पीते हैं चाय, देखते हैं कैसी है। इधर अपने कपदार भी लाओ पा। हाँ मस्त चाय है, पियो कैसी है, ठीक है।